शहजादा धामी का पास्ट जो है सलमान खान ने स्टेज पे ही निकाल दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे सलमान खान जो है वो एआई से कोई कम थोड़ी ना है, वो तो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के वो सुपर हीरो जो है, लोग जो है उनको इतना ज़्यादा पसंद जो करते हैं भाई, वो हर एक फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल का काम करते हैं। रियलिटी शो में वो बहुत ही बढ़िया है, मूवीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं और लोग तो भाई उनके पीछे बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। हालांकि मैं तारीफ़ करने लग जाऊँ सलमान खान की तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कंटेस्टेंट के बारे में कुछ गॉसिप नहीं होगी। शहजादा धामी के साथ अविनाश का एक प्रोमो जो है सामने आया है, आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए और अगर देख लिया है तो गॉसिप तो सुनने के लिए यहाँ पर ज़रूर आई हो भाई। तो जो शहजादा धामी हैं ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाला है और बहुत ही मतलब कि एरोगेंस है। और एरोगेंट होने के नाते जो है इसको अपने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी बुराइयाँ जो है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, वर्क वाइज भी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, उस शो से जो है धक्के मार ही इनको, शहजादा धामी को निकाला गया बाहर और इनके साथ इनकी को स्टार को भी निकाल दिया गया था, एक लड़की को भी निकाल दिया गया था। तो अभी यही बात जो है सलमान खान ने छेड़ ली, पर शहजादा धामी का कहना ये है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आप सोचिए कि कोई आपको आके बोल दे चल निकल, तू ये क्यों कर रहा है, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, चल निकल यहाँ से, धक्के मार के ऐसा कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली वो ही सब चीज़ें करेंगे, आपका भी मतलब कि फूटेगा गुस्सा। पर वहीं पर अविनाश ने इस चीज़ को ऑपोजिट आंसर दिया। उन्होंने ये बात बोला कि जिस कंपनी के बारे में ये बात कर रहे हैं वो कंपनी के साथ मैंने भी काम किया है, पर वो बहुत स्वीट है, वो बहुत ही अच्छे से काम करती हैं, शेड्यूल वाइज काम करती हैं। यानी कि अविनाश का कहना ये है कि शहजादा धामी में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो शहजादा धामी का तो कहना यही है कि भाई जिसके साथ होता है, जिसके ऊपर बीतती है, उसी को पता होता है। ये बात तो सही है, पर अब पहले से ही स्टार्टिंग से ही जो है ये चीज़ चल पड़ी है कि शहजादा धामी जो है वो झूठ बोल रहे हैं और सच्चाई ये है कि जो कंपनी है वो सच्ची है और उन्होंने इनके बिहेवियर से जो है इनको बाहर निकाला। अब ये देख रहे ये होगा कि भाई क्या सच में ये वैसे ही है या कंपनी ने इनके ऊपर अत्याचार किया। तो चलिए आने से पहले एटलीस्ट एक एक पॉइंट तो है ना कि हाँ भाई एक माइंड बन गया है कि इसके ऊपर हमें, इस चीज़ के ऊपर हमें ऐसे ध्यान देना है, इस बंदे की ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना है, फिर हम लोग उसके ऊपर जज कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं भाई, रियलिटी शो में अपने आप को जज करवाने के लिए ही आते हैं और हमको करना ही पड़ता है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है, शहजादा धामी अग्रेसिव है या शहजादा धामी के साथ अग्रेसिव चीजें हुई? इसी के साथ मैं लेती हूँ, नमस्कार।